तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी कर रहा हूँ तुमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे या मेरी कही हुई कोई भी बात को हल्के में लोगी। क्यारी से नहीं मिल सकती, तुम तो नहीं मिल सकती। माफ किया मैंने तुम्हें, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। ये सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। और हाँ, पर मैं तो भूल ही गया कीरत, तुमसे कुछ पूछना चाहता था। तो क्या सोचा है हमारे हनीमून के बारे में? एक कोई बात नहीं, आराम से सोच के बताओ। पर हाँ, इस बार जरा मेरी इमेज का थोड़ा ख्याल रखो। नॉट लाइक बिफोर। कल सुबह तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना है, सरप्राइज प्लान किया मैंने, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि सरप्राइज मिलने तक तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। पता नहीं अंकित मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हैं, आखिर चल क्या रहा है इसके मन में? ये क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरा सरप्राइज सरप्राइज ही रहे, इसलिए पिछली बार जब अंकित ने मुझे सरप्राइज दिया था तो वो मुझे एक रोमांटिक डेट पर लेकर गया था। हमारी पहली एनिवर्सरी पे देखो मैं तुम्हें कहां लाया हूं। साहिबा, ये हमारे लॉयर हैं, मिस्टर प्रथम कपूर। वेलकम। क्योंकि आप दोनों आपसी रजामंदी से तलाक ले रहे हैं, इसलिए एक ही वकील काफी है। मैं आप दोनों की तरफ से म्यूचुअल डाइवोर्स की अपील फाइल करूंगा। उससे बातें छुपाना, झूठ बोलना, बस यही आता है तुम्हें? क्या कह रहे हो अंकल? हमारा मरता हुआ रिश्ता आखिरी सांसें ले रहा है, तो आज इस रिश्ते को हमेशा के लिए मुक्ति दे ही देते हैं। अगर ऐसा है ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें इस रिश्ते में बांध कर नहीं रखूंगी। यहां साइन करना है ना?